हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ग्राफ शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, शहर में बेरोजगारी की मार से पीड़ितों के लिए मनरेगा जैसी योजना और देश भर के गरीब वर्ग के लिए न्याय यानी कि NYAY लागू करना आवश्यक है। ये अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। क्या सूट बूट लूट की सरकार गरीबों का दर्द समझ पाएगी? कोरोना वायरस की वजह से देश में लगभग हर मोर्चे पर उपजे संकट के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। मजदूरों के पलायन से लेकर बेरोजगारी और आर्थिक मुद्दे को लेकर वो सरकार को घेरते रहे हैं। इसके अलावा वो मनरेगा और न्याय योजना लागू करने की भी वकालत कर रहे हैं। इस ट्वीट पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता विनोद चौकसे और बीजेपी नेत्री भारती होलकर। सुनिए क्या कहते हैं। कि जो केंद्र सरकार पिछली कांग्रेस सरकार ने मनरेगा और न्याय योजना चालू करी थी, आज उनसे मजदूरों और गरीब वर्गों का बहुत सहारा था। लेकिन आज की केंद्र सरकार ने इस कोरोना काल में भी मनरेगा लागू नहीं कर रहा, जिससे कई मजदूर बेरोजगार घूम रहे हैं, गरीब है, असहाय है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को और मध्य प्रदेश सरकार को मनरेगा के माध्यम से मजदूर वर्गों का मदद करना चाहिए। मैं राहुल गांधी जी की बात से सहमत हूँ। जैसे कि राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है कि मनरेगा जैसी योजना न्यायप्रिय है या सूट बूट वाले लोग गरीबों का दर्द समझेंगे क्या? इसके अलावा सरकार ने बहुत सी योजनाएं लागू की है, 10,000 के लोन दिए गरीबों को, उसके अलावा राशन की व्यवस्था की। ऐसा तो नहीं कि सरकार कोई कुछ ने ध्यान नहीं दिया। और सूट बूट की बात है तो सूट बूट तो ये प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी तो शुरू से गरीबी से निकल के बाहर आए हैं, तो सूट बूट की तो कोई बात ही नहीं है ना। जैसा कि राहुल गांधी जी को तो पुरखों से मिलता आया ये कि भाई उनके दादा परदादा या दादी जी से उनको ये मिलता आया है कि आके सीधे से उनको ये पद मिल गया। प्रधानमंत्री जी ने तो स्वयं कमाया है ये कि गरीबी से निकल के, और गरीबों का दर्द वो नहीं, जो गरीबी से निकल के आए हैं वही तो गरीबों का दर्द समझेंगे ना। राहुल गांधी जी ने कहाँ गरीबी देखी है अभी?